प्रणाम, मैं बिहारी छोरा के यूट्यूब चैनल से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के बारे में। तो आप लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे 80% लोग हिंदू हैं, ये सनातन धर्म की चर्चा क्यों? आप लोग वैसे भी सुनते होंगे टीवी में, प्रवचनों में और बहुत सारे सोर्सेज से, व्हाट्सएप से, क्या है हमारा सनातन धर्म, क्या होती है इसकी पद्धति, क्या सनातन धर्म में प्रवेश संभव है, क्या सनातन धर्म में घर वापसी संभव है, सनातन धर्म से कोई कैसे त्याग देता है, कैसे पता चलेगा कि वो अभी भी इस धर्म का एक हिस्सा है या वो अधर्मी हो गया है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। मेरी बातों का जो स्रोत है, जो ज्ञान का जो भी मैंने अर्जन किया है, ये मैंने अपने से मनन करके, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से उनको सुनकर, और मैं जो बोल रहा हूँ वो शास्त्र और पुराण, इन सब के आधार पर बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ये बातें, मेरी बातों में कोई भी आपत्ति हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो सनातन धर्म क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले, वर्णाश्रम मतलब चतुष्वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रा, तो इन चारों व्यवस्था को मानने वाले और विभिन्न जातियों में विभाजित हमारा सनातन धर्म है, ठीक है? इसमें गौ, गीता, गायत्री, गंगा और ब्राह्मण, इनके संरक्षण पर बल दिया गया है। तुलसी पीपल पाकड़ आदि वृक्ष, बट वृक्ष आदि हमारे लिए पवित्र वृक्ष हैं। एक हम लोग जब पूजा करते हैं तो सप्तमृतिका होता है, सप्त धान्य होता है, नवग्रह की लकड़ी होती है। तो नवग्रह की लकड़ी में जितनी भी लकड़ियां प्रयुक्त होती हैं वो सब हमारे पवित्र वृक्ष हैं। इसके अलावा तो सनातन धर्म जो है वो बिल्कुल प्राकृतिक धर्म है। सप्तमृतिका में 7 जगहों की मिट्टी होती है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, परंतु उसमें राजा के द्वार की मिट्टी, जो नगर नारी होती है जैसे वेश्या होती है उनके द्वार की मिट्टी, और जो घुड़साल होता है उसके द्वार की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी आदि मिट्टियां होती हैं उसमें। तो इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी के संरक्षण पर बल देती है। इसी तरह से सप्त धान्य हो गया, तो जब तक हम पूजा में सप्त धान्य का प्रयोग करते रहेंगे हमारी धरती पर कम से कम धान्य की कमी नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के संदर्भ में सभी सरकारें सभी देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। तो अल्टीमेटली हम किस चीज पर आने वाले हैं वापस? हमारे यहाँ कितना अनाज है और उस अनाज से हम कितने दिनों तक सस्टेन कर सकते हैं, इस बात पर हम लोग वापस आने वाले हैं। तो सनातन धर्म इन्हीं सब चीजों पर बल देता है, कि वो बल देता है कि इस पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहे, इस पृथ्वी पर अच्छे लोग बने रहे। इसके लिए उन्होंने अपने हमारे जो प्राकृतिक सिद्धांत हैं वो हमारे परंपरा से चले आ रहे हैं। आप देखिए, सनातन धर्मावलंबी इस देश से कभी भी किसी बीमारी का उद्भव नहीं हुआ, मतलब ओरिजिन नहीं हुआ। जितनी भी बड़ी बड़ी महामारियां हैं सब विदेश से ही आती हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पद्धति है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट है। हम लोग पूर्णतः वैज्ञानिक, जिसे आजकल के वैज्ञानिक अंधविश्वास मान चुके थे, उन सब परंपराओं का हम लोग जो आज तक पालन करते थे उसके कारण ही, उसमें जो वैज्ञानिकता छुपी हुई है उसके कारण ही हम आज तक, हमारे ऊपर ये कलंक नहीं लगा कि हमारे यहां से कोई बीमारी का उद्भव हुआ है, जैसे छुआछूत और जो अन्य जो चीजें हैं उसके बारे में डिटेल पे चर्चा करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन सब के पीछे क्या वैज्ञानिकता थी, ये आज सारी दुनिया को पता चल रहा है। तो मैंने कहा, दूसरी बात, एक जो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है इसका वर्णाश्रम धर्म। सभी लोगों को रहने का अधिकार, जैसे हमारे भारत में लगभग 3000 जातियां हैं,
या 4,000 जातियां हैं, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। तो इन सब जातियों का अपना एक सिस्टम है, अपनी सिस्टम में वो रहते हैं, अपनी शादियां करते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो ये जो जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है सबको, ये ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। आप इस्लाम धर्म को देख लीजिए, जो लोग इस्लाम के रूल को अवॉइड करता है उसको मारने का एकदम आदेश है। क्रिश्चियन धर्म को देख लीजिए और दूसरे धर्मों को देख लीजिए और फिर अपने हिंदू धर्म को देखिए, परंतु हिंदू सॉरी अपने सनातन धर्म को देखिए। देखिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म में मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि हिंदू जो धर्म है, जैसे हम लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, तो हिंदू का एक व्यापक सेंस है। इसमें जैन, बौद्ध, सिख और सनातन धर्मावलंबी की कुछ हद तक आ जाते हैं। जितने भी शैव मत को मानने वाले हैं, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, ब्रह्म कुमारी और भी कितने, ये सब जितने लोग हैं, जितने संगठन हैं, ये सब हिंदुओं में आ जाते हैं। लेकिन सनातन धर्मावलंबी सिर्फ वही हैं जो सनातन धर्म के सिद्धांत को माने, वर्णाश्रम व्यवस्था को माने। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? हमारी गीता कहती है कि जो व्यक्ति वर्ण संकर हो जाता है, तीसरी पीढ़ी में उसके कुल का नाश हो जाता है। कुल का नाश का मतलब ये नहीं कि वो मर ही जाए, या तो वो मर जाए या विक्षिप्त हो जाएगा या फिर उसकी उसकी तीसरी पीढ़ी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये भी इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिकता है और ये शोध का विषय भी है, विज्ञान इस पर शोध करे। तो सनातन धर्म वर्ण शुद्धता पर जोर देता है। इसका मतलब कि आप जिस वर्ण के हैं, जिस जाति के हैं, उसी जाति गर्व में पूरी जिंदगी गुजारिए। और चूंकि हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, ये पांच उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। देखिए बराबर नहीं है, लेकिन आजकल के लोग कहना चाहते हैं कि सब बराबर है। नहीं, असलियत ये नहीं है कि सब बराबर है, कोई बराबर नहीं है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बलवान है, कोई बलहीन है, कोई बराबर नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर नहीं है। इवन हर किसी का एक नाक है, आंख है, मुंह है, चेहरा है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो भी एक दूसरे से नहीं मिलता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब लोग बराबर है? ये झूठ है कि सब लोग बराबर है। सच क्या है? अगर हम सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो सच यही है कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, उस ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है, लेकिन इस धरती पे कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए मिथ्या प्रचार बंद करें, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। जो लोग जिस योग्य हैं, वो लोग उस योग्य काम करें, उस योग्यता के अनुरूप काम करें, अपने स्वभाव के अनुरूप काम करें, जिसकी स्वभाव के अनुरूप काम करें। आपको जो करना है कीजिए, ठीक है ना, जो करना है कीजिए, इस पे कोई बार नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण हुए हैं, जैसे महर्षि वेद व्यास और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज, रविदास समाज की समाज में इतना बड़ा योगदान दे दिया कि वो हमारे लिए भगवान तुल्य हो गए। हम लोग उन्हें भगवान वेद व्यास कहते, जिन्होंने महाभारत को लिखा। तो आप अपने और अपने जातीय गर्व के साथ, अपने वर्ण गर्व के साथ, आपको जो करना है, जो अंतः प्रेरणा मिले वो कीजिए। और सनातन धर्म के उत्थान में सहयोग कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म यही है। तो आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपके मत हमारे मेरे मत से भिन्न हो तो आप कमेंट में प्रतिक्रिया दें। मैं बिहारी छोटा फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।